मेरी तमन्ना है कि मैं गोवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर अपने दांतों से रोककर ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं जो शायद अभी तक 1992 से लेकर अभी तक तो मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका है, आने वाले समय में कोई ना तोड़े और हमारे रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में ऐसे रहे कि पूरा 100 वर्ष भी कोई ना तोड़ सके। सर एक तो समथिंग न्यू और समथिंग नॉट नॉर्मल, तो लेट अस विश देम सक्सेस। आई वांटेड टू वॉच इट माई सेल्फ, लेकिन मुझे कमेटी की मीटिंग है तो जाना पड़ रहा है, और ये इधर यहाँ करंट है तो उनको रुकना पड़ेगा जब तक करंट का प्रेशर निकल ना जाए। आप लोगों के सामने है बिल्कुल खड़ा भी सलामत, ये सब ईश्वरी कृपा है, आप लोगों के दिया के द्वारा दिया हुआ मेरा एक उत्साह है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे सक्सेस मिली है, और ये मेरा चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज आप लोगों के समक्ष है बना है गोवा वासियों के समक्ष, और हमारे देश का जो चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले मैंने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 92 में बोइंग 737 एरोप्लेन पुल किया, वहाँ तत्कालीन मिनिस्टर माधवराव सिंधिया साहब के द्वारा करवाया गया था। दूसरी बार 9 जनवरी 1996 को, वो 16 मार्च 1996 को बॉम्बे के मझगांव डॉकयार्ड पर बॉम्बे टू गोवा चलने वाला एक क्रूज शिप दांतों से खींचने का दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। तीसरा विश्व रिकॉर्ड मेरा कलकत्ता के खिदरपुर बंदरगाह पर हुआ, यहाँ मैंने लगभग 350 टन वजन का एक बोट दांतों से खींचा। आज ये चौथा विश्व रिकॉर्ड आज आप लोगों के सामने बनाया, यहाँ 510 टन वजन का रॉयल क्रूज ग्रुप का शिप अपने दांतों से खींचने का एक चौथा विश्व रिकॉर्ड बनाया है आप लोगों के समक्ष। और अभी निकट भविष्य में मेरी तमन्ना है कि मैं गोवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर अपने दांतों से रोककर ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं जो शायद अभी तक 1992 से लेकर अभी तक तो मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका है, आने वाले समय में कोई ना तोड़े और हमारे रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में ऐसे रहे कि पूरा 100 वर्ष भी कोई ना तोड़ सके। ये हमारी बस आज सब आप सभी गोवा वासियों से निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दें, इतना उत्साह कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाएं कि मैं आगे भविष्य के वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रृंखला में आगे भी रिकॉर्ड बनाता जाऊं। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत माता।